देश में बढ़ रही इस्लामिक जिहादी कट्टरता और हिंसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर कचहरी बस स्टैंड स्थित विश्व हिंदू परिषद कार्यालय के समीप बजरंग दल के प्रांत संयोजक पूर्णेंदु शाही एवं सह संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी के नेतृत्व में इकट्ठा होकर नारेबाजी की तथा संबोधित ज्ञापन एसडीएम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को प्रेषित किया, जिसके संबंध में बजरंग दल के सह संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी ने बताया कि संपूर्ण देश का हिंदू समाज इन हमलों से आहत है और आक्रोशित भी है। देश भर का हिंदू समाज के धरने और ज्ञापन के माध्यम से इन घटनाओं के विरुद्ध अपना आक्रोश व्यक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि किसी को भी जिहादी भाषण देने से रोका जाए। इस अवसर पर प्रांत संगठन मंत्री परमेश्वर कुमार, प्रांत सुरक्षा प्रमुख मनोज गौड़, अभय शाही, जिला संयोजक उत्तरी आलोक, सूर्यनाथ सिंह, प्रमोद शुक्ला, शुभम पांडे, ऋतु सिंह, अभिलाषा त्रिपाठी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सह संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा, मुर्दाबाद। अपने बजरंग दल के प्रांत संयोजक समाज है, हमेशा सुनता रहा है और सहने वाले ही काम करता है, कभी भी प्रशासन और शासन के विपरीत नहीं जाता। लेकिन ऐसे लोग जो शासन प्रशासन को उंगली दिखा करके और विशेष दिन पर शासन को नीचे दिखाने की नीयत से सड़क उतर रहे हैं और हिंदुओं को निशाना बनाकर उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी मांग के साथ आज बजरंग दल पूरे भारतवर्ष में आज सड़कों पर है और एक निवेदन किया है कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो एक विशेष दिन पर निकल करके पत्थरबाजी करते हैं और जन माल की हानि करते हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दूसरा ये मांग किया गया है कि ऐसे वो सब व्यक्ति जो चिन्हित हैं उनके जो भावी हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत बेहतरीन बहुत शानदार काम कर रही है, ऐसे ही कठोर कार्रवाई की, उनके आने वाली पुस्तें भी याद रखें कि ऐसा अगर उन्होंने किया तो उनके साथ क्या होने वाला है। दूसरा, जो भड़काऊ बयान दे रहे हैं, जो हिंदू देवी देवताओं के ऊपर लगातार रक्त उतर रहे हैं और हिंदू कभी कुछ नहीं बोलता है, आज एक छोटे से पिछले गोटे को जितना बड़ा ड्रामा किया गया है, वर्षों से हिंदू देवी देवताओं को लेकर के इनके मौलिक मोर्चा कहते रहे, लेकिन कभी हिंदू समाज ने, ऐसे लोगों को भी कार्रवाई की जाए और उनको बोलने के लिए रोका जाए, को ऐसे बयान न दें। तो जिन मस्जिदों और उससे अभी ये कार्यक्रम हुए हैं, पत्थर फेंके गए हैं, उन सबकी जाँच कराइए, वहाँ पे एनआईए की टीम जाए, उन सबकी जाँच करें, वहाँ पर शायद साथ में जो ये इस्लामिक कट्टरवाद फैला रहे हैं, ऐसे संगठन जो बीच में हम लोग के जहर घोल रहे हैं, ऐसे संगठनों को चिन्हित किया जाए और उनका कठोर कार्रवाई की जाए। ऐसे कुछ मांगों के साथ आज हम सब लोग गोरखपुर महानगर के कार्यकर्ताओं के साथ आज हमारी सभा का नेतृत्व आपके द्वारा श्री मान महापहिम राष्ट्रपति से भी अनुरोध करें कि वो हम लोग की मांग पर करते हुए और जल्दी से जल्दी ऐसी कठोर कार्रवाई करें ताकि उनके जो है वो नाक बन करके बंद हो सके। पूरे भारतवर्ष में आज बजरंग दल ने लगातार हिंदुओं को निशाना बनाकर विभिन्न राज्यों में जो घटनाएं हुई, साथ ही में जो अभी उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों में जो घटनाएं हुई, जिसमें एक विशेष लोग जिनको भारत के संविधान में, भारत के कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं है, ऐसे लोग सड़कों पर पत्थर लेकर उतरते हैं और कानून व्यवस्था की धज्जी उड़ाते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बजरंग दल ने आज यहाँ पर एक राष्ट्रपति जी को ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी के महोदय के द्वारा भेजा है और एक मांग की है कि ऐसे लोगों को अगर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई, ऐसे लोगों को अगर नहीं रोका गया तो आने वाले समय में भारत फिर विखंडन की स्थिति में आ जाएगा और ये जहाँ पर रहेंगे वहाँ पर इस तरह की वारदात को अंजाम देते रहेंगे। इसलिए बजरंग दल मांग करता है कि ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई की जाए, उनको चिन्हित किया जाए, जो हमारे
उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कर रहे हैं, ऐसे उनके घरों को बुलडोजर से गिरा दिया जाए। साथ में वो स्थान जहां से ये कार्रवाई हो रही है, जहां पे इकट्ठा होकर के लोग ये कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, ऐसे स्थानों के NIA से जांच होनी चाहिए। वो लोग जो वो संगठन जो है ऐसे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, उनके ऊपर जांच होनी चाहिए, उनको सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। साथ में ऐसे मौलाना मौलवी, ऐसे लोग जो भारत हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपशब्द कहते रहे हैं और कहते आए हैं, ऐसे लोगों पर भी तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए।